दोस्तों, एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाओं में स्थित है। यह मंदिर एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह रहस्यमयी कैलाश मंदिर, जिसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों, रहस्यमयी कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफा नंबर 16 में स्थित है। कैलाश मंदिर को किसी आम मंदिर की तरह पत्थरों को जोड़ जोड़ कर नहीं, बल्कि केवल एक अकेले पत्थर को काट कर बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे पुराना बहुमंजिला और एकमात्र ऐसा मंदिर है दोस्तों, जिसे एक पहाड़ को काट कर, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ काट कर बनाया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब उन्होंने इस मंदिर का गहन अध्ययन किया तो उन्हें यह पता लगा कि शुरुआत में यह मंदिर पूरी तरह से एक तरह के व्हाइट प्लास्टर से ढका हुआ था, जो कि बिल्कुल कैलाश पर्वत की तरह ही लगता था, जिस वजह से इस मंदिर को कैलाश मंदिर कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि कैलाश मंदिर को आज लगभग 6000 साल पहले बनाया गया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसे 1200 साल पहले बनाया गया था। सच्चाई यह है कि इसे केवल एक पहाड़ को काट कर बनाने के कारण इसका बनने का कोई भी सही अनुमान नहीं लगा पाया है कि ये कितने साल पुराना है, क्योंकि पहाड़ की उम्र और मंदिर की उम्र में अंतर होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो पहाड़ तो कई लाख साल पुराना हो सकता है और फिर उसे काट कर मंदिर का निर्माण कई हजार साल बाद ही किया गया होगा। दोस्तों, माना जाता है कि कैलाश मंदिर के नीचे एक सीक्रेट शहर है। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की रिसर्च से यह पता चला है कि यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। दुनिया में कहीं भी कोई पहाड़ काट के कोई इमारत बनाई जाती है तो उसे सामने की तरफ से काट कर बनाया जाता है, लेकिन इस मंदिर को बनाने में पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ काट कर क्यों बनाया गया है, इसका रहस्य अभी तक कोई नहीं जान पाया है। पत्थर काट काट कर खोखला करके ये मंदिर बनाया गया है। इस तरह से बनाने में इस मंदिर को लगभग 4 लाख टन से भी ज्यादा चट्टानों को हटाया गया होगा। इस हिसाब से अगर 7000 मजदूर 150 वर्ष तक लगातार 12 घंटे काम करें, तब भी केवल चट्टान को हटाया जा सकेगा। फिर चट्टान काटने के बाद मंदिर में बनी हुई मूर्तियों में की गई अद्भुत शिल्पकारी और मंदिर में बने भवन आदि को बनाने में कितना समय लगा होगा, ये सब बातें मंदिर को और अधिक रहस्यमयी बनाती है, क्योंकि आज से कई सौ साल पहले जब आज की तरह कोई आधुनिक उपकरण नहीं हुआ करते थे तो केवल हाथों से ही इस तरह की भव्य इमारत को कैसे बनाया गया होगा, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अर्थात वर्षा के जल को संचय करने और उसे उपयोग में लाने की विधि का गुप्त अंडरग्राउंड सिस्टम का उपयोग किया गया है, और इस मंदिर में बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं जो इतनी ज्यादा सक्रिय हैं जिसमें आम इंसान जा भी नहीं सकता। जैसा कि हमने पहले ही बताया दोस्तों कि यह मंदिर बहुमंजिला है, तो खास बात यह है कि इस मंदिर में एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने के लिए पुल बने हुए और विशालकाय बालकनी भी है। इसके अलावा इसमें सीढ़ियों का ऐसा जटिल जाल है जो इस रहस्यमयी कैलाश मंदिर को और भी रहस्यमयी बनाता है। ऐसी जटिल संरचना जिसमें पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए और उसे खोखला करते हुए पुल, भवन, सीढ़ियां, खंभों को पहले के इंसान ने भी बिना किसी उपकरण के कैसा बनाया होगा। कैलाश मंदिर में पानी को निकलने के लिए बनी हुई नालियां और गड्ढे इस तरह बने हुए हैं और यह इतने ज्यादा तंग और गहरे हैं जहां आम इंसान पहुंच भी नहीं सकता और जो आज के इंसान आधुनिक उपकरणों से भी नहीं बना सकते हैं। कैलाश मंदिर की मजबूती के बारे में बात करें तो हम आपको बता दें कि मुगल शासक औरंगजेब ने 1682 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था और अपने हजारों सैनिकों को इस मंदिर को तोड़ने के लिए काम पर लगा दिया था। लगभग 3 साल तक इतने सैनिक कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास करते रहे और बस इस मंदिर का थोड़ा सा ही नुकसान वो सब पहुंचा पाए। अंत में औरंगजेब ने हार मान ली और इस मंदिर को तोड़ने का अपना इरादा बदल दिया। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो पूरी दुनिया में पहाड़ काटने की एक तकनीक जिसे कट
इन मोनोलिथ कहा जाता है का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एलोरा के इस मंदिर में इस तकनीक के बिल्कुल विपरीत कट इन तकनीक से लाख गुना कठिन तकनीक कट आउट मोनोलिथ तकनीक का प्रयोग किया गया है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इस मंदिर को बनाने में लगभग 200 साल का समय लगा होगा और इसे बनाने में 10 पीढ़ियों ने काम किया होगा तथा 7000 मजदूरों ने इस मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया होगा। इसके अलावा ये एलोरा के सभी गुफाओं से भी अधिक पुराना मंदिर है। कैलाश मंदिर के बाद ही एलोरा की गुफाओं और दूसरे मंदिर की स्थापना हुई। दोस्तों, एलोरा का अन्य कोई भी मंदिर कैलाश मंदिर के इतना बड़ा और बेहतर नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि यदि ये पहले का मंदिर है तो बाद में बने मंदिरों को और भी अधिक बेहतर होना चाहिए था और साथ ही साथ पत्थर काटने की उस तकनीक को और भी अधिक विकसित होना चाहिए था, परंतु पत्थर काटने की वो तकनीक तो लुप्त ही हो गई। कैलाश मंदिर ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि आकाश से दिखाई देता है और एलोरा में स्थित इसके अगल बगल लगभग 34 मंदिर हैं। इनमें से कोई भी मंदिर आकाश से दिखाई नहीं देता है। आकाश से देखने पर रहस्यमय कैलाश मंदिर में एक एक्स का निशान दिखाई देता है जो कि वैज्ञानिकों को सोच में डालता है आखिर ये निशान क्यों बनाया गया था। दोस्तों, आज के समय में ऐसा मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों ड्रॉइंग, 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर, CAD सॉफ्टवेयर, छोटे मॉडल्स बनाकर उसकी रिसर्च, सैकड़ों इंजीनियर, कई हाई क्वालिटी कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ेगी। जरा सोचिए उस काल में यह सब कैसे सुनिश्चित किया गया होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज इन सब आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी शायद ऐसा दूसरा मंदिर बनाना असंभव ही है।